हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल लर्निंग वंस अगेन। मैं हूं अरविंद चौधरी और आप देख रहे हैं जावा सीरीज। और आज हम बात करेंगे ट्री सेट के बारे में, ट्री मैप के बारे में। तो जो ट्री मैप होता है वो मैप का ही पार्ट होता है, या मैप इंटरफेस की ही क्लास होती है। और इसके कुछ फीचर्स होते हैं जो कि हमारी हैश मैप और हैश टेबल से कुछ डिफरेंट होते हैं। सबसे पहला ये होता है कि ये जो होता है की एंड वैल्यू के फॉर्म में डेटा स्टोर होता है। दूसरा, जो डेटा स्टोरेज फॉर्मेट होता है वो एज अ ट्री के फॉर्म में होता है। तो इससे बेनिफिट क्या होता है, ट्री के फॉर्म में मींस ये क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में डेटा अरेंज होता है। मींस अगर आप जब भी डेटा रिट्रीव करते हैं या डेटा सर्च करते हैं, तो आप डेटा जो सर्चिंग कैपेबिलिटी और डेटा रिट्रीव कैपेबिलिटी बहुत फास्ट होती है। तो इसमें क्या होता है, इसका बेनिफिट क्या होता है, डेटा जो होता है एक ऑर्डर में अरेंज होता है। और किस ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में। मींस इसका जो की एंड वैल्यू जो स्टोर जो ऑर्डर होता है, जो सॉर्टिंग ऑर्डर में अरेंज होता है की एंड वैल्यू पर। देन नेक्स्ट इसका एक फीचर ये होता है कि ये यूनिक आइटम कंटेन करके रखता है। फोर्थ, इसमें आप की है वो नल नहीं रख सकते, बट आप मल्टीपल वैल्यूज रख सकते हैं नल। देन नेक्स्ट इसका एक फीचर ये होता है कि नॉन सिंक्रोनाइज होता है। इट मींस इस पर अगर आप मल्टीपल थ्रेड यूज़ करेंगे तो ये रिलायबल रिजल्ट देगा। तो ये हमारे कुछ फीचर्स है इसके। तो हम देखते हैं, इसका एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देख लेते। सबसे पहले हम क्या करेंगे, नया प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे और इस प्रोजेक्ट का हम नाम देंगे ट्री मैप। देन इसके अंदर हमें क्लास क्रिएट करेंगे, और इस क्लास का हम नाम रख लेते एम्प्लॉय। देन इसमें हम अपनी मेन मेथड ऐड कर देते। अब यहाँ पर हम क्या बनाएंगे, एक ट्री सेट का ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर हमने लिया ट्री, सॉरी ट्री मैप। देन इसमें हमने यहाँ पर लिया इंटीजर की, और वैल्यू हमने ली यहाँ पर स्ट्रिंग। एंड यहाँ हम रखते हैं tm इक्वल्स टू न्यू ट्री सेट, सॉरी ट्री मैप। देन क्या करेंगे, हम उसमें कुछ वैल्यू ऐड करेंगे tm। तो इस पुट मेथड के थ्रू ही यूज़ करते हैं। पुट मेथड में क्या होता है, की एंड वैल्यू हम डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम डालना है, यहाँ पर हम डालते हैं राम। यहाँ पर हम इसको 101 रख लेते। देन 2, 3 एंड 4। देन यहाँ पर रख लेते हम श्याम, मोहन एंड रवि। अब हम क्या करते हैं, अपने डेटा को रिट्रीव करते हैं या व्यू करवाना है हमें। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर फोर लूप लेंगे, फोर। देन यहाँ पर हम देंगे मैप डॉट एंट्रीज। देन यहाँ पर हम देंगे m कॉलन, और यहाँ पर हम देंगे tm डॉट एंट्री सेट। तो यहाँ पर एक मेथड होती है हमारी एंट्री सेट। देन क्या करेंगे, हम इसमें डेटा प्रिंट करवाएंगे। तो यहाँ पर हम लेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, और इसमें हम लेंगे m डॉट गेट कीज। एक हमारी मेथड होती है गेट कीज। देन यहाँ पर कुछ स्पेस देंगे हम यहाँ पर, या तो फिर हम कॉलन दे देते। देन m डॉट वैल्यूज गेट वैल्यूज, ये वैल्यूज। अब हम क्या करते हैं, प्रोग्राम को रन करके देखते हैं।
ओके, ये हमारा कहाँ चला गया, सॉरी ये हमारा टर्मिनल कहीं खो चुका है। आप इसको रन करवा के देख सकते हैं, मैं एक मिनट इसका टर्मिनल निकालने की कोशिश करता हूँ कहाँ पर है, या हम यहाँ पर डाल देते टर्मिनल टर्मिनल। ओके शायद यहाँ से कहीं बाई मिस्टेक चला गया, तो आप इसको रन करके देख सकते हैं, आपको आउटपुट मिल जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।